नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरोप लगाया कि सेना में कुछ ऐसे लोग थे जो गलत कामों में शामिल थे, वे उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए जिम्मेदार थे। ट्विटर पर बुधवार रात पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा, हर संस्था में इंसान भी होते हैं, अगर एक या दो व्यक्ति कुछ गलत करते हैं तो पूरी संस्था जिम्मेदार नहीं होती। उनका इशारा सीधे सीधे सेना प्रमुख जनरल बाजवा के संदर्भ में था। इस संबंध में पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बुधवार को एक समाचार चैनल से कहा था कि पाकिस्तान आर्मी और इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में पाकिस्तान सेना ने तख्तापलट करके आधे से अधिक समय तक शासन किया है। उसने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। विशेषज्ञों के अनुसार 10 अप्रैल को नेशनल असेंबली द्वारा अविश्वास पारित करके हटाए गए इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी का समर्थन खो दिया था, क्योंकि उन्होंने जासूसी एजेंसी ISI प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में वह सहमत हो गए थे, लेकिन इससे सेना के साथ उनके संबंधों में खटास आ गई थी। 69 वर्षीय इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव से बाहर होने वाले एकमात्र पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है। उनकी जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के शहबाज शरीफ ने ले ली है। इमरान खान ने अपने समर्थकों से गुरुवार को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पहुंचने का आह्वान किया है, ताकि इसे देश के इतिहास में अभी तक की सबसे बड़ी रैली बनाई जा सके। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान ने कहा कि सभी संस्थाएं भ्रष्ट नहीं होती है, लेकिन उनमें कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो उनका सीधा इशारा जनरल बाजवा की तरफ था। इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी की प्रशंसा करते हुए कहा, पाकिस्तान को इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत है, अगर यहाँ पाकिस्तान आर्मी नहीं होती तो अभी तक पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाते। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने सशस्त्र बलों के खिलाफ कभी बात नहीं की, बल्कि उन्हें मजबूत किया है। दूसरी तरफ अब पाकिस्तान की नई सरकार को इमरान खान की सुरक्षा की चिंता जताने लगी है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गृह मंत्रालय को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फुल प्रूफ सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने गुरुवार को लाहौर में इमरान खान की रैली से पहले एक पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया था, इमरान खान रैली को वर्चुअली संबोधित करें, क्योंकि उनकी जान को गंभीर खतरा है। हालांकि इमरान खान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री शरीफ ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि शांतिपूर्ण जनसभाएं लोकतंत्र का हिस्सा है, और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि उसमें कोई बाधा नहीं पैदा होनी चाहिए। बुधवार को लाहौर प्रशासन ने रैली के आयोजकों को इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ शील्ड लगाने के लिए कहा था, और पूर्व प्रधानमंत्री को सलाह भी दी थी कि रैली स्थल में जाएं तो बुलेट प्रूफ वाहन का इस्तेमाल करें। इमरान खान की तहरीक इंसाफ को बिजली गुल होने की स्थिति में किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए बैकअप बिजली जनरेटर लगाने को कहा गया था। इमरान खान मीनार पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करने के लिए तैयार हैं, जो 10 अप्रैल के बाद से लाहौर में उनका सबसे बड़ा पावर शो होगा। उधर पाकिस्तान के पड़ोसी देश अफगानिस्तान से गुरुवार को एक खबर आई है कि अफगानिस्तान में गुरुवार को एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। मजार शरीफ की मस्जिद में हुए इस विस्फोट में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 65 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले काबुल में स्कूल के पास 3 बड़े धमाके किए गए थे, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई थी। तालिबान के एक कमांडर और मजार शरीफ के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ वजीरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि दूसरे ज़िले में एक शिया मस्जिद के अंदर विस्फोट हुआ, जिसमें 20 से अधिक लोग मारे गए और घायल भी हुए हैं।